अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये पहाड़ खंदक के मकाम पर है। ये जो रोड जा रहा है ये कारों से परली तरफ रोड है, यहाँ खंदक खोदी गई है और ये मस्जिद है, मस्जिद खंदक, इसे मस्जिद खंदक बोलते हैं, सबा मसाजिद बोलते हैं यहाँ इनको, ये अल्लाह के रसूल की मस्जिद बोलते हैं इसे ये, और एक मस्जिद ये है और दो मस्जिद ये जमा हो गई है, दो मस्जिद थी लेकिन अब हुकूमत ने एक कर दी। एक आपको नज़र आ रही हो तो उधर है, एक और आगे है। ये पहाड़ है, हम थोड़ी पहाड़ पर चढ़ाई की हमने कि देखते हैं ऊपर का नज़ारा कैसा है। असल तो ये है ये अरब पहाड़ों में ही बसे हुए हैं। अगर आप सफ़र करके देखोगे यहाँ के रोड से जब नज़र आएगा तो पहाड़ के, जैसे हम अपनी ज़बान बोलते हैं, खोड़ान में बसो पड़ो है फलाणो, खोड़ान में ही बसे पड़े हैं अरब। तो पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़। ये मदीना मुनव्वरा का नज़ारा है लेकिन सूरज की रोशनी की वजह साफ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इधर से तो साफ नज़र आ रहा होगा, ये मदीना मुनव्वरा है। खंदक यहाँ खोदी गई थी, उस वक्त तो यही कहाँ मदीना मुनव्वरा था यहाँ तक, क्योंकि खंदक उस वहाँ जहाँ आबादी ख़त्म हो गई वहाँ खोदी गई थी खंदक। लेकिन अब खंदक यहाँ खोदी गई है और मदीना मुनव्वरा कहाँ आगे तक बढ़ गया, ये सारा मदीना मुनव्वरा है। ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मैंने थोड़ी चढ़ाई की और ये सूरज की तरफ से इधर का तो मंजर नज़र नहीं आएगा अच्छे तरीके से। ये सारा मदीना मुनव्वरा है। ये ज़ायरीन की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ सामने मीनार से आगे, जो गाड़ियाँ दिख रही हैं। अल्लाह ताला आप हजरात को भी आने की और इन मकामात की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाएं। जिस मकाम पर अब हम हैं इस मकाम का ज़िक्र कुरान ने किया है खंदक के मौके पर, जहाँ अल्लाह ने खंदक का ज़िक्र किया है वहाँ इस मकाम का ज़िक्र हुआ है और खंदक का ज़िक्र कुरान में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन पहाड़ों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है इन पहाड़ों ने, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को खंदक खोदते देखा है इस पहाड़ ने जिस पर अब हम खड़े हैं फ़िलहाल क्योंकि इसकी जड़ों में खंदक खोदी गई है। आप अंदाज़ा लगाओ, पत्थरीली ज़मीन है, पहाड़ की ज़मीन है, कितनी मशक्क़त का काम है खंदक खोदना, और कोई मामूली नहीं कि एक छोटी सी नाली खोदी गई हो, चौड़ी भी और लंबी कितनी, ये आपको मालूम होगा, आपने खूब किताबों में पढ़ा है, ये सुना है, क्योंकि पत्थर ये बिल्कुल ये इसके जड़ों में खोदी गई है खंदक, पहाड़ के जड़ों में। आपको पता है कि पहाड़ के जड़ों तक कितना दूर तक पहाड़ का असर रहता है ज़मीन पर, पथरीली ज़मीन रहती है, बिल्कुल पहाड़ की जड़ में खोदी गई है ये, इस साइड में ऐसे, क्योंकि इधर का मदीना हो गया इधर का, ये तो अब बाद में बना है। चलो नीचे उतरते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।